Hey, welcome back to my channel. Hope you all are good and fine. तो ये जो वीडियो है आज स्लाइस पे पे है, इसका आपको कैसे पेमेंट करना है और स्लाइस पे का क्रेडिट कार्ड का सिस्टम क्या है कि इसमें आपको मंथली पेमेंट करना होता है. आपका जो बिल होता है वो नेक्स्ट मंथ के सेकेंड डे को जनरेट होता है. तो इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा है तो देखिए, यहाँ पे आपको रिवार्ड दिए जाते हैं. जैसे कि मोनी से सपोज अगर आप पूरे मंथ में लास्ट मंथ अगस्त में 1000 रुपीज़ स्पेंड करते हो तो आपको 1000 मोनीस दिए जाते हैं. मीन्स कि 1 रुपीज़ को इक्वल टू 1 मोनीस है. ठीक है, तो देखिए आपको बिल आपको शो करेगा नीचे कि आपको ये अमाउंट पे करना है 8906. तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मेरे को ऑप्शन देगा पे नाउ का. ठीक है, और इसका बेस्ट फीचर क्या है कि इसको आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो. अगर आप फुल पे करोगे तो यहाँ पे आपको बोनस का रिवॉर्ड दिया जाएगा. ठीक है, रिवॉर्ड क्या है कि सपोज मान लो कि आपने लास्ट मंथ में 2000 स्पेंड किया था. ठीक है, किया था और आपको 2000 बोनस मिलेगा. फिर उसको आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा. ठीक है, तो 1000 का आपको 10 मोनिस मिल जाएगा और वो आपके बेस से ऑटोमेटिक वो माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि अगर मैं सेकेंड और थर्ड मंथ के लिए ऑप्ट करता हूँ तो चूज़ करता हूँ तो वहाँ पे मेरे को 0 चार्ज ही पे करना पड़ेगा. जो मेरा जो होगा मोनिस रिवॉर्ड उसका बेनिफिट मेरे को नहीं दिया जाएगा, वो खाली आपको फुल पेमेंट में ही आपको दिया जाएगा मोनिस का बेनिफिट. ठीक है ना, तो अब मैं पेमेंट चूज़ करूँगा. तो मैं सेकंड मंथ का थर्ड मंथ का ये है कि अगर आप 6 मंथ का चूज़ करते हो अप टू 18 मंथ तक का है तो आप 6 मंथ के ऊपर क्या है कि आपको चार्ज पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने थ्री मंथ का चूज़ किया तो मैं 9 मोनिस का मेरा वो एक्सपेंड हो गया. ठीक है, जिससे वो मेरे वो रिवर्स हो जाएगा, यानी वो उसके पॉइंट मेरे को नहीं मिलेंगे. तो देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, तो मोनिस होता क्या है आपको सब मालूम हो जाएगा मोनिस के बारे में. तो हम आगे चलते हैं इसको पेमेंट करने के लिए. ठीक है, देखिए मैं आपको बोला कि आपको जो भी बोनस अर्न हुए हैं अगस्त के मंथ में वो आपका पूरा रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, ये है तब होगा अगर आप सेकंड पेमेंट सेकंड मीन्स 2 मंथ से ऊपर का चूज़ करते हो तो आप. ठीक है, अच्छा हाँ, तो ये फ्लिपकार्ट पोस्टपेड से अच्छा है कि वहाँ पे क्या है कि आपको सिंगल वो में पेमेंट करना पड़ता है और आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. यहाँ पे ऐसा नहीं, आपको 2 और 3 मंथ का टाइम देते हैं जहाँ पे आपको 0% इंटरेस्ट देना होगा. ये कि आपको मोनिस आपको अपना गंवाना पड़ेगा. बहुत ही आराम फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है. तो देखिए मोनिस रिडक्शन कैसे होगा. जैसे कि आपको आपके अगर 1000 मोनिस है तो 10 रुपीज़ आपका आपको मिलेगा और ऑटोमेटिक क्या है कि आपके बिल से माइनस हो जाएगा. जैसे कि अगर मेरा बिल 9 का है तो मेरे को 8890 मेरे को पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने 3 मंथ का चूज़ किया है तो मेरी मंथली जो इंस्टॉलमेंट आ गई है 2968 की आ गई है. ठीक है ना, तो मोनिस यही है कि मोनिस का अगर आपको यूज़ करना है तो आपको सिंगल को में पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको मोनिस की नहीं मिलेगा. ठीक है, अब मैं पेमेंट के लिए जा रहा हूँ, इसको मैं पे करूँगा. ये मेरा यहाँ पे इसको सेव कर देगा. तो देखिए आप चलो 3 इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो. तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 ही चूज़ किया है, सितंबर 21 का. और इसको मैं फिर मैं टैप करूँगा. देखिए मेरे को उसका मैसेज भी आ गया है कि हमने आपके इंस्टॉलमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. और फिर मैं इसको टैप किया और फिर मेरे को पेमेंट पेज पे लिख दिया गया जहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिया है, फ़ोनपे है, पेटीएम है, गूगल पे है और अभी UPI यहाँ पर ऐड कर सकते हो आप. और डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है जहाँ मेरे को 10 रुपीज़ चार्जेस देना पड़ेगा. और जो आखिरी है वो नेट बैंकिंग का ऑप्शन है जहाँ पर कोई भी चार्जेस आपको नहीं पे करना पड़ेगा. तो मैं अपना पेटीएम UPI चूज़ कर रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है. बहुत ही इनका जो पेमेंट है का जो हिस्ट्री बहुत ही इंस्टेंट होता है और इसकी फेड चार्ज बहुत ही कम होता है. तो देखिए मेरे को सीधा लिंक कर देगा पेटीएम पे और वहाँ पर मेरे को बैंक चूज़ करना पड़ेगा. आपके जिस बैंक में आपका सबसे बैलेंस होगा वो आपको चूज़ करना पड़ेगा. HDFC बैंक का, बाकी मेरे पूरे बैंक अपना बैंक मैंने चूज़ कर लिया है. और फिर मैं जाके अपना मैं पिन एंटर करूँगा. तो देखिए ये मेरा पिन एंटर कर रहा हूँ मैं और मेरे को मेरे बैंक का मैसेज आ गया कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली पेमेंट हो गया है और मेरे को उन्होंने रिवार्ड भी दिया है. वाओ, देखिए कितना रिवार्ड मेरे को मिला है. तो उन्होंने मेरे को दिया है 4 रुपये दिए हैं. कोई बात नहीं, जो दिया है अच्छा दिया है. तो ऐसे ही अपना पेमेंट कर सकते हो. तो देखिए मेरा पेमेंट अभी हो गया है. अब मैं बैक आऊँगा तो देखिए यहाँ पर मेरे को पेड शो कर रहा है कि यहाँ आपका अमाउंट पेड हो गया है. फर्स्ट टर्म जो थी आपकी वो पे हो गई है और सितंबर मैंने कुछ भी स्पेंड नहीं किया है. तो ऐसे आप अपना पेमेंट कर सकते हो. आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, UPI का है, नेट बैंकिंग का है और डेबिट कार्ड का है. देखो मेरे को बैंक का मैसेज भी आ गया है. तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, अलविदा.